एक्सक्यूज मैडम। हाँ जी सर बोलिए। ये जो आपका फ्लैट है ना, इसे मैंने सेल कर दिया है, तो एक हफ्ते में इसे खाली कर देना, ठीक है? एक हफ्ता में मैं कैसे खाली कर दूँ? इतनी जल्दी मुझे कहाँ फ्लैट मिलेगा सर? हाँ तो मुझे कुछ नहीं पता, एक हफ्ते के अंदर मेरा फ्लैट खाली हो जाना चाहिए। और हाँ, अगर एक हफ्ते में खाली नहीं हुआ ना, तो सिक्योरिटी अमाउंट भी नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ जो मेरा फ्लैट डैमेज किया है ना, उसके खिलाफ अलग से केस भी लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर। सर आपको पता है ना, अभी बीच का महीना है, मुझे कोई भी फ्लैट नहीं देगा और इतनी जल्दी घर नहीं मिलता है। मेरे को ये सब कुछ नहीं सुनना है, मेरा घर जल्दी से जल्दी खाली कर दो, ठीक है? सर मेरी बात तो सुनिए, सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। इतनी जल्दी मैं कहाँ से फ्लैट ढूंढूं? फ्लैट लौटने सिर्फ एक सप्ताह का टाइम दिया है, क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो, हाँ जी सर मुझे फ्लैट चाहिए सर, एक सप्ताह के अंदर, कोई भी खाली नहीं है। ठीक है सर, यार कोई भी फ्लैट नहीं खाली, मैं कैसे खाली करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। हेलो, यस सर, आप फ्लैट की फोटो भेजे हैं तो उसका प्राइस क्या है? मैम उसका 20,000 रेंट है, 20,000 उसकी सिक्योरिटी होगी और 10,000 हमारा ब्रोकरेज। सर 50,000? हाँ जी मैम। सर इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है और मेरी सैलरी आने में भी अभी 15 दिन है, क्या आप ये फ्लैट मुझे 10,000 में दे सकते हैं? मैम ये फ्लैट कोई हमारे खुद का नहीं है, ओनर का फ्लैट है, और जब आप लोगों का इतना बजट नहीं होता ना, तो जरूरी नहीं होता दिल्ली जैसे शहर में रहना और फ्लैट समझे। क्या मतलब भैया, कि आप अकेली लड़की को रूम नहीं देंगे? सर मैं फ्लैट देख रही हूँ, आप प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हाँ मैं टाइम पे खाली कर दूंगी। क्या 15 दिन बाद खाली होगा? नहीं सर मुझे अभी शिफ्टिंग चाहिए। ओके दो महीने का रेंट और सिक्योरिटी मनी देना होगा यार। इसका फोन आ रहा है मनीषा का। यार क्यों कर रही है फोन? यार नहीं बात करना, मैं खुद इतनी परेशान हूँ अभी। क्या हुआ प्रीति, तुम इतने दिनों से ऑफिस नहीं आ रही हो, किसी की कॉल रिसीव नहीं कर रही हो, और किसी की तो छोड़ो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही हो, और कल मैंने तुम्हें कितनी कॉल की तुमने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं की, क्यों? और तुम्हें तो पता है ना कि हमारी कंपनी में कितने इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। मैम आई नो कि हमारी कंपनी में इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, बट आई नीड 3 डेज लीव, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैम एक्चुअली कुछ दिन पहले मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी, मेरे मकान मालिक मुझे फ्लैट खाली करने के लिए बोले हैं, और मैंने बहुत जगह फ्लैट देख लिया मैम, मुझे कहीं भी फ्लैट नहीं मिल रहा है, और उन्होंने सिर्फ 7 दिन का टाइम दिया जिसमें से 3 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ और मैं आपकी कॉल रिसीव नहीं की, इसके लिए सॉरी। आपने उनसे और टाइम क्यों नहीं मांगा? मैम मैंने टाइम मांगा बट वो टाइम नहीं दे रहे हैं। टाइम तो छोड़ो, वो ये कह रहे कि अगर तुमने 7 दिन के अंदर फ्लैट नहीं खाली किया तो सिक्योरिटी मनी भी वापस नहीं करूँगा और डैमेज केस का इल्ज़ाम भी लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ मैम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। प्रीति ये देखो, यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि कोई भी मकान मालिक बिना नोटिस दिए 1 महीने से पहले अपना फ्लैट खाली नहीं करवा सकता है, तो अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैम कुछ हो सकता है क्या? कुछ क्या, बहुत कुछ हो सकता है। एक काम करो, आप उसे कॉल करो, मैं उससे बात करती हूँ। ओके मैम। मैम बात कर लीजिए। हेलो, हाँ जी मैं प्रीति जी की लॉयर बात कर रही हूँ, मुझे पता चला है कि आप बिना किसी वैलिड रीजन के इनसे घर खाली करवा रहे हैं। मैडम मेरा घर है, मेरा मन, मैं उसमें किसी को भी रखूँ और किसी को भी ना रखूँ, और उसको बोलो इन फालतू के चक्रों में ना पड़े, खामखा लफड़ा बढ़ जाएगा। देखो लफड़े में तो अब आप पड़ोगे, रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से अगर आपका किराएदार आपको टाइम से रेंट पे कर रहा है तो आप ऐसे उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं,
और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आप पे कंप्लेन भी कर सकते हैं रेंट कंट्रोल अथॉरिटी। अरे पर घर तो मेरा है ना। हाँ मानती हूँ वो घर आपका है, पर ये जो मेरे सामने रेंट एग्रीमेंट है इस पे साइन भी तो आपका ही है ना, जिसपे साफ साफ लिखा है कि अगर आप अपना घर खाली करवाते हैं तो आपको एक महीने पहले उन्हें नोटिस देना पड़ेगा। और जो इन्होंने सिक्योरिटी आपको दे रखी है ना वो भी आपको वापस करनी पड़ेगी। आप इन पे उल्टा डैमेज का केस करने वाले थे ना। ये क्या बोल रहे हो मैम आप। नहीं नहीं, अब तो उल्टा मैं आप पे केस करूंगी। आपने एक लड़की को इतना मेंटली डिस्टर्ब कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है। हाँ मैं समझ गया हूँ, आप मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, माफी मांगनी है तो प्रीति जी से मांगिए। ठीक है। हेलो। हाँ सर बोलिए। मैम आप आराम से मेरा घर खाली करना, एक दो महीने ले लो आप लगे तो। और आपको सिक्योरिटी अमाउंट देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वो भी आपका वापस कर दूंगा। हाँ बस मेरे ऊपर केस मत करना। सर मैं तो कंप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन आगे से आप ध्यान रखिएगा कि कोई और कंप्लेन आपका ना कर दे। ठीक है मैडम, सॉरी। ओके सर, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। देखो प्रीति, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, और आप ना अब अच्छे से प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। श्योर मैम।